यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। करनाल में एक बार फिर से राइस मिल मालिकों पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। दरअसल सरकार राइस मिल मालिकों को जीरी से चावल निकालने के लिए देती है, जिसे तय समय में राइस मिल मालिकों को सरकार को चावल निकालकर वापस देना होता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये इस बार चावल देने में देरी हो गई। बीते दिनों में जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि राइस मिल मालिक चावल की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से PDS का चावल मंगवाकर चावल को पूरा कर रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन की टीम ने मौके का मुलायना किया था। वहां दो ट्रक मिले जो UP से आए थे, जिसके चलते प्रशासन ने कार्रवाई करते दो राइस मिल मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं उपायुक्त ने कहा कि जांच रिपोर्ट में राइस मिलर्स की जांच रिपोर्ट कल मेरे पास आ गई थी, जिसकी जांच ADC ने की थी, जो रिपोर्ट उन्होंने मुझे भेजी है। उस रिपोर्ट के अनुसार उसमें 5 राइस मिलर ऐसे हैं जिसमें चावल का स्टॉक कम पाया गया। उनके खिलाफ हमने सरकार को कार्यवाही के लिए लिख दिया है और जो हमने उनकी प्रॉपर्टी अटैच की थी उन प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके स्टॉक भी भरपाई की जाएगी। राइस मिलर्स की जांच की रिपोर्ट कल मेरे पास आ गई है, जो AD साहब ने जांच की है, और उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है उसमें 5 राइस मिल्स ऐसी हैं जिनमें जो स्टॉक पाया गया वो कम पाया गया जो अलॉटेड था। तो उनके खिलाफ एक तो हमने सरकार को कार्रवाई के लिए लिख दिया है और दूसरा जो हमने उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की थी अब उन प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके उस राशि की भरपाई की जाएगी। ठीक है। यश बाबू न्यूज़, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज़।